सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और अब आपको मैं लिए चलता हूँ साईं दरबार धौलपुर, जहाँ पर राम गुरु अपने गुरुदेव को, साईं गुरु को मना रहे हैं। तो आइए देखें, दर्शन करें हम भी कि किस प्रकार रामू गुरु पर साईं बाबा की कृपा बरस रही है, किस प्रकार रामू गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो सत्य हो जाया करते हैं, किस प्रकार उन्होंने साईं को पाया, ये सारी बातें रामू गुरु के मुखारविंद से मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार रामू गुरु अपने गुरु को कलावा, यानी कि शिष्य गुरु का जो बंधन है, गंडा बंधन, वो अर्पित कर रहे हैं और गुरु के चरण कमलों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और किस प्रकार गुरु को गुड़ और चना, जी हाँ, आप भी अपने गुरु के दरबार में जाया करते होंगे या आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपके गुरु ने उस मिठाई के डिब्बे को खोल करके उसमें से एक भी मिठाई का पीस खाया, कभी सोचा इस बात को? नहीं, केवल अपने मन से, अपने पसंद से हम गुरु को अर्पित करते हैं। गुरु की पसंद क्या है, गुरु को क्या भोग लगाया जाता है, ये दुनिया जानती ही नहीं। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ले जाते हैं, अच्छे अच्छे फल ले जाते हैं। गुरु भगवान से भी ऊंचा इसका दर्जा है, कभी जानने की कोशिश नहीं की। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ा देते हैं, केला चढ़ा देते हैं, सोमवार को भोले बाबा बर्फी चढ़ा देते हैं, बुधवार को गणेश जी महाराज का भोग मालूम, साईं बाबा को पीले चावल लगाया जाता है, सबको मालूम है, संतोषी माता को ये। लेकिन गुरु जो सबके 33 करोड़ देवी देवता जिनके चरणों में झुक जाते हैं, उनके भी गुरु होते हैं, गुरु महान है, गुरु भगवान है, उनके प्रसाद के बारे में जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए गुरु की कृपा आप लोगों पर कम रहती है। इसलिए अपने मन की ना करें, गुरु के आदेश में रहें। रामू सर साईं दरबार के एक साईं कृपा पात्र, साईं चरण सेवक, सारी दुनिया मानती है कि रामू सर पर खास कृपा है बाबा की। इस गुरु पूर्णिमा पर रामू सर ने साईं दरबार को सेवादारों की मदद से फूलों से सजा करके बाबा को लुभाने की कोशिश की। 56 भोग का आयोजन किया गया, बाबा को अर्पित किए, क्योंकि रामू सर ने 9 साल में 9 बार 51 व्रत पूर्ण किए हैं बाबा की कृपा से। गरीबों के लिए भोजन, लॉकडाउन चल रहा है देश में, इसलिए गरीबों को जगह जगह जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनके हाथों को सैनिटाइज करवा करके, देखिए किस प्रकार साईं सेवादार फकीरों के, गरीबों के हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं और किस प्रकार उनको पैकेट दिए जा रहे हैं भोजन के। यहाँ तक कि जीव जंतुओं का भी ख्याल मेरे साईं ने शिरडी में भी रखा था और रामू सर भी उनके कदमों पर चल रहे हैं, साईं सेवादार उनकी मदद करते हैं। देखिए किस प्रकार जीव जंतुओं को भी स्थान स्थान पर जाकर के उनको भोजन कराते हैं, सभी का ध्यान। रामू सर स्वयं अपने साईं रथ से जगह जगह जाकर के, जहाँ भी गरीब भूखे बाबा के फकीर बाबा जहाँ भी भेजते हैं वो स्वयं जाते हैं और पूरी व्यवस्था के साथ नियम का पालन करते हुए साईं की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम में जुड़ जाइए, साईं दरबार से गरीबों के लिए 500 रुपये पेंशन प्रति माह के दिए जाते हैं। दो बातें मैं अंत में सभी साईं भक्तों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो नीली लाइन पर ही क्लिक करके देखें, और अगर साईं को मानते हो तो अपने सभी ग्रुपों में शेयर भी करें, जी हाँ, सभी ग्रुपों में लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि तो आज आपकी बारी है और कल मेरे साईं की बारी होगी। जब आप ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, लोग कहते हैं अरे सर मेरा राजनीतिक ग्रुप है, मेरा सामाजिक ग्रुप है, अगर यही राजनीतिक और सामाजिक ग्रुप आपके जीवन को बर्बाद कर दें तो फिर साईं से मत कहना।
कोई भी रिश्तेदार, कोई भी ग्रुप का किसी भी मेंबर को छोटा या बड़ा मत समझो, सब साईं के अधीन है।